के जरिए से इस आप महफिल को, इस मजमे को हम यहीं से उठाते हैं और यहां से उठा करके जमीन के साथ मदीनतुल मुनव्वरा की वादियों में शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो कहा था कि उन्होंने माँ के ऊपर एक शेर कहा जिसमें माँ के दुआओं के ताल्लुक से कुछ बातें थी। आ नहीं सकती बला माँ के दुआ के साथ, आ नहीं सकती दुआ माँ के बला के सामने। तो मुनव्वर राणा ने कहा था कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब अगर आप सुनने के मूड में हैं तो आप सुभानअल्लाह बोलें, क्योंकि जब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। कुछ आप आगे बढ़ो और कुछ हम आगे बढ़े, क्योंकि बस में सुखन में दाद ना देना भी जुर्म है। पीना है क्या शराब तो लब खोलिए हुजूर। तो मुनव्वर राणा ने कहा कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अकेले मैं नहीं चलता गवाह भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अकेले मैं नहीं चलता दुआ भी साथ चलती है। और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। और जब माँ की बात आई तो ताबिश ने कहा कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई। ताबिश तो ही मिसरे हैं, लेकिन ताबिश ने शायद अपनी जिंदगी में माँ के ऊपर इससे अच्छा शेर नहीं कहा होगा। ताबिश ने कहा कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। और फिर इसी तरीके की कुछ तर्जमानी मुनव्वर राणा अलग तरीके से कहते हैं और कहते हैं कि सहरा में रह के कैस ज्यादा मजे में है। माँ के जो तसव्वुरात होते हैं अपने बच्चों के बारे में वो किस तरीके से होते हैं, तो मुनव्वर राणा कहते हैं कि सहरा में रह के कैस ज्यादा मजे में है और दुनिया समझ रही है कि लैला मजे में है। बर्बाद कर दिया मुझे परदेश ने, मगर माँ सबसे कह रही है कि बेटा मजे में है। अब इस प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं इससे कबल कि मैं आपको आपके सामने हिंदुस्तान के बेहतरीन नाथा को पेश करूँ, मैं चाहता हूँ कि मजमा कुछ और जम जाए और जो आने वाले हजरात हैं वो बिल्कुल दिल जमाई के साथ बैठ जाए। अभी दो तीन नाथा जो मकामी नाथा हैं जिन्होंने अभी नर्सरी से निकल करके नाथानी सीखा है, जिनके अंदर अभी अल्फाज के उच्चारण, अल्फाज के तलफ्फुज़ और बहुत सारे मुश्किलात उनके सामने हैं, मैं सिर्फ चार चार मिसरे पढ़ने के लिए उनको इजाज़त दूंगा। और एक बात दीगर है साहिल मोहतरम सादिक और मोहतरम अहमद रजा, एक बात दीगर आए और सिर्फ चार चार मिसरे पढ़ते हुए रुख्सत।